हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ दाल मखनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल मखनी के लिए मैंने 250 ग्राम उड़द की दाल और 100 ग्राम राजमा लिए थे। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके रात भर भिगो कर रख दिया था पानी में। अब इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें मैं 2 लीटर पानी ऐड कर दूँगी। इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे। अब हम कुकर को बंद करके इसे हाई फ्लेम पर 1 विसल आने तक पकाएंगे। फिर हम लो फ्लेम पर 1/2 आवर तक इसे पका लेंगे। जब तक दाल पक रही है तब तक हम दाल के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। ये मैंने चॉप जिंजर और गार्लिक ले लिया है, टमाटो की प्यूरी ली है 3 और 2 कटे हुए प्याज लिए। पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करके इसमें बटर ऐड कर देंगे। इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे। अब इसमें हम चॉप अनियंस ऐड कर देंगे। अनियंस को कुक करने के बाद हम इसमें चॉप जिंजर और गार्लिक ऐड कर देंगे। अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, इसमें हम टमाटो की प्यूरी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च डाल देंगे। 1/2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इसे हम ऑयल सेपरेट होने तक पका लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक आप इसमें थोड़ा सा ही डालिए क्योंकि दाल में भी हमने नमक डाला था। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। अब तड़का रेडी हो गया है। ये देखिए, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। अब दाल भी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे तड़के में ट्रांसफर करेंगे। सारी दाल को हमने तड़के में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से थिक होने तक पका लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। ½ टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च डाल देंगे। अब दाल मखनी बनकर एकदम तैयार है। इसे हम सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।